नमस्कार दोस्तों, बब्लू डेनी में स्वागत है। और चलिए, इस वीडियो में हम आपको कुछ कलेक्शन दिखाएंगे जो हमारे जीविका का साधन है और इसी से हम सर्वाइव करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो अडेनियम रखने का दायरा है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। मुश्किल से आपका 15 बाई 15 हो सकता है, ठीक है? यानी कि 15 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा, ठीक है? या बहुत हाई कोस्ट, मतलब हाई कीजिएगा तो 20 बाई 20 हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं है, मेरा स्पेस है, उससे कम ही स्पेस, क्योंकि हमारा पोली है उसका प्लास्टिक भी ज़्यादा नहीं है। यानी कि 10 फीट ये है, यानी कि स्पेस 10 हो गया, और इधर मान लीजिए कि आपका 20 हो सकता है, तो 10 बाई 20 मान लीजिए। इतना ही में मैं अपना सर्वाइव करता हूँ, इतना ही में मैं अपना काम करता हूँ। यही मेरा इनकम का स्रोत है, जीविका का साधन है, यही है, जो है सो यही है, ठीक है? इसके अलावा हम कोई जॉब नहीं करते हैं, कोई नौकरी नहीं, बस जो है सो यही है, ठीक है? तो इसी में हम लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, आप लोग का भी मनोरंजन करते रहते हैं। तो चलिए, हम कुछ कलर दिखा रहे हैं आपको, जो बहुत ही टॉप क्लास का कलर, मतलब अभी मतलब मार्केट में तो पुराना वेराइटी है, लेकिन उसका यूनिक जो होता है ना, कि लोग भूल गए हैं कि हमें ये भी कलर लेना चाहिए या मार्केट से कहीं से खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसका नाम रखे हुए हैं VPM, ठीक है? देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ में, मतलब कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हम ये रखे हैं अपना दवा मारने के लिए, कोई ऐसा रहता कि हम बड़ा मशीन भी नहीं रखें, नॉर्मल तरह से हम अपना सर्वाइव करते हैं। जो भी मेरा जितना हमसे सफर है, जितना हम मेहनत कर पाए, हम अपना मेहनत में कोई कमी नहीं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये एक कलर है और कली लगा हुआ है, और हम जैसे इसको कलर को खोलेंगे तो एक हाथ में हम ट्राइपॉड रखे हैं अपना, यानी कि हैंडल वाला, और जैसे हम इसको खोलेंगे और ये कलर दिखाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। दोस्तों देख सकते हैं कि कितना रेयर चीज़ है, ठीक है? कितना यूनिक कलर है, ठीक है? और अंदर प्योर ब्लैक बन रहा है, और मतलब लाइनिंग इसका जो बन रहा है वो रेघारी बन रहा है, और इस वैरायटी का नाम है VPM, मतलब कि पर्पल मेपल का ये बड़ा भाई है, भी लगा दिए हैं, ठीक है? तो चलिए, हम इसका एक बड़ा पेड़ दिखा रहे हैं, बड़ा फोटो, मतलब ये तो फूल का कली का स्टाइल है, देख सकते हैं दोस्तों कितना कली अच्छा है। तो चलिए, हम इसका बड़ा पौधा दिखा रहे हैं। तो बड़ा पौधा हमारे पास इधर है, और ज़्यादा नहीं है, 3 पीस 4 पीस होगा, ठीक है? क्योंकि हम इस पर पाउडर थोड़ा सा मार दिए, थोड़ा सा इसी मच्छर का था, प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये कुछ कलर इस तरह से दिखेगा, और ये बहुत ही यूनिक है, पर्पल में बहुत अच्छा है, और कली ये फूल पुराना हो गया तब ऐसा दिख रहा है, नहीं तो इतना सुंदर दिखेगा कि आप इसको बिना कहीं, अगर फुटपाथ पर कहीं दिख जाए, कहीं दुकान पर दिख जाए, तो आप इसको झटपट खरीद लीजिएगा, ये इतना अच्छा कलर है। दोस्तों देख सकते हैं, तो एक आपका कलेक्शन में ये पर्पल आ जाएगा, तो आपका मतलब गार्डन का सुंदरता बन जाएगा। तो ये भी मतलब प्लांट देखिए, ज़्यादा नहीं है, 2 3 प्लांट हो सकते हैं, ठीक है? तो एक ये कलर हो गया, यानी कि VPM, हम नाम बताते जा रहे हैं। और चलिए दूसरा कलर देख सकते हैं, इसका वैरायटी का नाम है सन स्पॉट, ठीक है? हम इसको अकीरा 2 के नाम से रखे थे, कहीं कि हम लाए थे अपने फ्रेंड के यहाँ से कटिंग, तो अकीरा 2 समझ रहे थे हम इस वैरायटी को, तो अकीरा 2 तो है नहीं। चलिए, इसको भी हम नया नया कली खोल के दिखा रहे हैं कि जब नया खुलेगा कली तो क्या इसका क्वालिटी होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि हम जो कली जो खुला तो एकदम स्ट्रक्चर अजब टाइप से बन रहा है, मार्बल जैसा बन रहा है, और ये जो रेड है ना, रेड कुछ ब्लैकनेस रेड है, नॉर्मल रेड नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक कलेक्शन में हो सकता है आपके यहाँ, आपके मतलब मार्केट से कहीं ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। और देखिए, 2 फूल खिले हैं मेरे यहाँ, तो इस प्लांट भी मेरे पास कम से कम 5 6 पीस होंगे, ज़्यादा नहीं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आपका ये भी कलर हो सकता है, ठीक है? और इधर चलते हैं, मेरे यहाँ कौन कौन से कलर खिले हैं दिखा दे रहे हैं आपको। एक ये भी कलर हो सकता है, तो कलर का कनेक्शन कलेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। नीला कलर भी ले
मतलब मार्केट से ले सकते हैं आप लोग। ये भी कलर देख सकते हैं, इसका नाम वैरायटी का नाम है ब्लैक स्टोन, ठीक है। ये मेरा कलेक्शन का नाम है, आप मार्केट में खोजिएगा ब्लैक स्टोन के नाम से तो नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं इसको नाम दे दिया हूँ ब्लैक स्टोन। और बहुत ही सुंदर है, प्योर ब्लैक होता है, अभी व्हाइटनेस जैसा बॉर्डर बन रहा है, ये व्हाइटनेस बॉर्डर पुराना हो गया फूल, लेकिन जब ये खिलता है तो अभी भी ये ख़राब नहीं दिख रहा है, क्योंकि चलिए हम इसका कली ही खोल कर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए कली है तो आप देख सकते हैं कि ये प्योर ब्लैक बन रहा है, प्योर ब्लैक और रेड लकी। तो चलिए हम पूरा कली ही खोल कर दिखा दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बबलू जो बोलता है सही बोलता है या गलत बोलता है, ठीक है। तो चलिए सही और गलत का पहचान कर रहे हैं इसमें, कि हम जो बोल रहे हैं प्योर ब्लैक और रेड लकीर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक कली खोला जाए और एक कली खोलकर और इसको दिखाया जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे दोनों हाथ लगाना पड़ेगा इसको कली खोलने के लिए, तो हम आपको वीडियो में आते हैं दोनों कली पूरा खोलने के लिए। दोस्तों हम अपने हाथ से कली खोल दिए हैं और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो भी ये वैरायटी है आपको दिख रहा होगा, प्योर ब्लैक और रेड लकीर, ठीक है। तो अभी जान लीजिए कि हम हाथ से जब कली खोले हैं तो कली का जो फूल जो फट गया थोड़ा सा, तो आपको पूरा एकदम गुच्छे जैसा नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक, प्योर ब्लैक हो रहा है और रेड लकीर हो रहा है। और जब ये प्योर ब्लैक और रेड खुलेगा, मतलब बड़े साइज में खिलेगा, तो कितना सुंदर देगा, क्योंकि हमारे पास तब कली पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ कली है, उधर कली है, उधर कली है, ठीक है, इधर सब कली ही कली पर खिला हुआ। तो ये भी कलेक्शन में आपका हो सकता है। और चलिए एक मैरून कलर का फूल दिखा दे रहा हूँ, वो भी अभी कली पर ही है, एक दो प्लांट खिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए, आपके सामने हाजिर है, कितना सुंदर फूल दिख रहा है, एकदम गुलाब की तरह दिख रहा है, मैरून है और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। और थोड़ा सा फूल का हम स्ट्रक्चर इसको और भी लुक अच्छा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कली सटा सटा था तो खोल दिए, क्योंकि अभी ये पहला दिन का फूल है, अभी ये अभी खिलेगा तो बहुत साइज बड़ा होगा और भी ज़्यादा खिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है फूल, ज़बरदस्त है, फूल का कोई काट नहीं है और प्योर गुलाब जैसा ही दिख रहा है। तो ये भी आपके कलेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सा प्लांट है, किसी कोई किसी से कम नहीं है। तो बस ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो बना के हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि वो चीज़ आप मार्केट से, अपने फुटपाथ से, नर्सरी से, कहीं से मंगा सकें। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, या कहीं भी मतलब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका आपकी जो इच्छा हो पूरी हो जाए, क्योंकि हम तो सेलर हैं नहीं, और हम अपने गार्डन में मतलब अपने मन से ही तैयार करते हैं, लोगों को देते हैं, जो भी करते हैं, हम परमानेंटली मतलब मेरा नर्सरी नहीं है, हम अपने शौक से ही घर में ये थोड़ा मोड़ा करते हैं, अपना मेरा वही जो चलता है, क्योंकि अगर हम करते हैं बहुत पैमाने पर तो पूरा हम ये पूरा गार्डन खेत वेत सब भर देते हैं, लेकिन उतना हमारे हिसाब में नहीं है, हमारे बजट में भी नहीं है, और हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। तो कलेक्शन तो बहुत है, ठीक है, एक एक कलेक्शन हम अलग अलग छांट छांट कर लाते हैं। और एक हम नर्सरी गए थे तो 6-7 पौधा भी लाए थे यहाँ से, इधर 6-7 पौधा है, तो इसमें एक अलग कलेक्शन हमको मिल गया, जो हम बनाने के लिए रखे हैं। इसका वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो ये भी हम अगली बार तैयार करेंगे, और कलर भी बहुत अच्छा है, तो इसका फ़ोटो भी हम दिखा देंगे, फ़ोटो खींचे हुए हैं, थंबनेल इसमें डाल देंगे, मतलब इसके डिस्प्ले के बगल में, तो ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों अभी तक का हमारा सबसे, जितना भी हम फूल दिखाए हैं, सबसे सुपर क्लास हम इसको देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ना, आपके घर अगर सामने खिल गया, मतलब अगर आपके यहाँ जाकर ये खिल गया फूल गार्डन में, आपके गमले में, आपके टेरिस पर, छत पर, ठीक है, तो कहिएगा कि बबलू क्या बोल रहा था, इसका खूबसूरती मतलब जो है, जितना भी इसका तारीफ कीजिएगा, तारीफ कम पड़ जाएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम जब अपने फ्रेंड के यहाँ इसको देखे थे खिले हुए, हमको रहा नहीं गया, हम उस वक्त ही उनको फैसला किए कि भैया किसी भी काम, किसी भी हालत में ये वैरायटी हमारे पास होना चाहिए, किसी भी हालत में, चाहे जितना भी रुपया लगे हम खरीद लेंगे। हालांकि हमारे फ्रेंड इतने नेक हैं, इतने अच्छे हैं कि उनके यहाँ से हमें ये कटिंग प्रोवाइड मिल गया और हम इसको अपने यहाँ डेवलप कर लिया। तो थोड़ा सा दुकान पर मार्केट में ये ज़्यादा महंगा मिलेगा क्योंकि नया चीज़ है, लेकिन हमारी राय है कि हर
जो भी एडेनियम का जो भी लवर हो, जो भी एडेनियम पसंद करता हो, उसके यहाँ ये वैरायटी होना ही होना चाहिए, निसेसरी। जैसे होता नहीं कि हर चीज़ का निसेसरी है, जैसे हम लोग का क्या होता है, पर डे नहा स्नान करना चाहिए, पर डे ब्रश करना चाहिए, ये तो निसेसरी है ना, बिना ब्रश किए कोई ये दिन भी नहीं रह सकता। तो हर गार्डनर के घर में जो एडेनियम के प्रेमी हो, जो एडेनियम खरीदता हो, उसके यहाँ ये वैरायटी होना ही चाहिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर चीज़ है, और इस वैरायटी के नाम फरारी है, और थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, तो आप इसे भी अपने गार्डन में सजा सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, और मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से संतुष्ट होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही मेरा बेस है। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपके बिना हम अधूरे रह जाएंगे दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।